जो तेरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। तुझे जो तेरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार। आपने कभी किसी डूबे हुए व्यक्ति को बोलते हुए देखा है? जो डूबा है, जो जल में जब कोई डूबता है ना तो अपनी श्वास रोक कर डूबता है, श्वास आ जाए तो जीवन की हानि हो सकती है। जो डूबा है वो बोलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि मौन उसकी विवशता हो जाती है। वो जान लेता है, वो समझ लेता है कि जो जानने योग्य है, जो कहने योग्य है, वो तो कहा ही नहीं जा सकता। जाने सो बोले नहीं और बोले सो अनजान। वृंदावन के रसिकों की बात आप सुनेंगे तो बड़ी अटपटी बात कहते हैं। इसीलिए महाप्रभु कहते हैं वृंदावन के रसिक कैसे हैं, बोले रहस्य तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति, न जानीते लोकम न च निगम जातम कुल परंपराम वानो जानत्य अहह न सताम चाप चरितम रसम राधायाम आभजती किल भावम ब्रजमणो। जो बेपरवाह हो गए हैं इस रस में, को निंदत को बंदत और वृथा बकत बहुतेरे, अपनो दूलो राजी चाहिए जासंग लागे फेरे, सब विधि मैं इनकी और ये मेरे। वृंदावन के रसिक कहते हैं कोई कहे भलो फिर कोई कहे बुरो, मुए दो सो न काज ही ये दंपति बसाए हो, यह तन पाए राधावर गुण गाए चंद, हित को कहाए और कौन को कहाए। तो रहस्य तत्स्य स्थिति रपीन साधारण गति। वृंदावन के रसिक कहते हैं बोले जब लो लगन लगी नहीं तब ही लो सिद्धांत, लगन लगी तब जानिए कथा श्रवण सब भ्रांत। अब कृष्ण कथा तो अमृत है, उससे श्रेष्ठ कोई साधन ही नहीं है अपने अपने मन के रोग को दूर करने का। कृष्ण कथा मन के रोग की औषधि है, भव रोग का निवारण करती है। विद्वान लोग कहते बोले श्रीमद् भागवत आध्यात्मिक चिकित्सा है, वो आपके मन के, वो आपकी वृत्तियों के रोग को दूर करती है। और वृंदावन के रसिक कहते बोले वृथा श्रुति कथाश्रम, जब लो लगन लगी नहीं तब ही लो सिद्धांत, लगन लगी तब जानिए कथा श्रवण सब भ्रांत। बोले एक बार मन रमण करने लगे श्री प्रियाजू की पदनख चंद्र चंद्रिका में, बोले उसके बाद कथा सुनना भी हमारे लिए परिश्रम जैसा है। वृंदावन का सेवन किए बिना इस उपासना की बात तो आप छोड़िए, इस उपासना का जो भाव है, एक भाव हृदय में आता है तभी तो आप मन और चित्त उसकी ओर उन्मुख करते हैं। वृंदावन का सेवन किए बिना, सेवन अर्थात जैसा मैंने कल निवेदन किया, वृंदानि सर्व महताम अपहाय दूराद वृंदाटवी मनुसर प्रणयेन चेतय, वृंदावन की गलियों में डोलना, वृंदावन की इन गलियों में डोलना, हो सके कान में पड़ जाए किसी रसिक के मुख से तो इस भाव को धारण करने का प्रयास करना। राधा कराव चित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, श्री राधा विहार विपिने रमता मनो। खाली मन वृंदावन की इन गलियों में रमण करना, ये भाव मन में लेकर कि भजन नहीं हो तो कोई बात नहीं, रज तो उड़ लागे तन ही पीवे जमुना तोये। कैसी कैसी सेवन विधि बताते हैं महाप्रभु अपने वृंदावन की, हित वृंदावन की। आशास्य दास्यम वृषभानु जाया, श्री राधिका पाद सरोज दास्यम त्रैशिर श्रेणी महारहस्य। आपके श्री चरणों की सेवा की अभिलाषा मन में संजोए, इस वृंदावन की गलियों में हे स्वामिनी जू मैं कब अतिथि होंगी, कब अभ्यागत होंगी। अतिथि क्यों कहा महाप्रभु ने? जैसे अतिथि जब किसी के यहां पर आता है ना तो थोड़े संकोच से रहता है, थोड़े संकोच से। बड़ी सुंदर विधि बताते हैं महाप्रभु वृंदावन के सेवन की।
कि थोड़े संकोच से, थोड़ा सा संकोच मन में, संकोच किस बात का, संकोच अपनी अयोग्यता का, संकोच अपनी अपनी अपात्रता का, ये संकोच मन में लिए कि मन में कहीं पे, मन के किसी भी कोने में न सेवा का, न साधन का, न भजन का, न तप का कोई भी अभिमान मन के किसी कोने को स्पर्श ना करे। इसीलिए महाप्रभु कहते हैं आशास्य दास्यम वृषभानुजाया तीरे समध्यास सच भानुजाया कदानु वृंदावन कुंज वीथि स्वहम नुरादे अतिथिर भवेयम। कहीं पर भी महाप्रभु की बात में आपको आग्रह अथवा अधिकार नहीं मिलेगा, आशा है, प्रणत होकर एक आशा है। भो भो दिव्याद्भुत तरुलता स्तत्कर स्पर्श भाजह हे राधाया रतिग्रह शुका हे मृगा हे मयूरा भूयो भूय प्रणति बिरहम प्रार्थये वोनुकंपा। तो भाव क्या है? भाव है प्रिया जी के श्री चरणारविंद। वो श्री चरणारविंद कैसे हैं? वो श्री चरणारविंद ऐसे हैं कि श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभव आया, जिन श्री चरणों की रेणु का रस वैभव अद्भुत नहीं परम अद्भुत है, जिसमें जीव की पात्रता की अपेक्षा ही नहीं है। कैसो पापी क्यों न हो, श्री हरिवंश नाम जो ले अलक लड़ेती रीज के महल खवासी दे। इसीलिए वृंदावन के रसिकों ने जब याचना की है तो वृंदावन और वृंदावन की रज की याचना की है। रेमन वृंदा विपिन निहार यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तोहु न हाथ पसार विपिन राज सीमा ते बाहर हरिहूं को न निहार। रेमन वृंदा विपिन निहार अनाराध्य राधा पदांभोज युग्मम अनाश्रित वृंदाटवी तत्पदांकम। इस वृंदाटवी की सेवा, इस वृंदाटवी का भाव क्यों? क्योंकि ये वृंदाटवी किससे अंकित है? ये वृंदाटवी अंकित है जावक जुत जुग चरण लली के अद्भुत अमल अनूप दिवाकर मोहन मानस कंज कली के सुरतरु मंजुल मृदुल मनोहर सुखनिधि सुभग सिंगार निकुंज गली के। यहाँ के रसिक न्योछावर हुए हैं किस पर? वृंदावन की कुंज वीथियों पर। क्यों? क्योंकि उन कुंज वीथियों पे श्री प्रियाजू के चरण चिन्ह अंकित हैं। प्रिया चरण अंकित धरनी देखत जिही जिही ठा प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिरमोर। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। तो आप महाप्रभु की उपासना के भाव के निकट जाएंगे तो वो भाव आपको निकट ले आएगा वृंदावन के और वृंदावन की रज के। श्री राधे तत्पदाब्जात स्रवती। इस रज को देखते ही महाप्रभु को स्मरण होता है। कल भी मैंने कहा था कि लीला स्थलियां तो वो हैं जहां कभी लीला हुई थी, लेकिन महाप्रभु जिस वृंदावन का वर्णन करते हैं वहां लीला हुई थी नहीं, वहां लीला होती है, और होती है नहीं, वहां लीला हो रही है। न आदि न अंत बिलास करे दो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। इस ये प्रवाह सतत है, ये प्रवाह कभी कुंठित नहीं होता, ये प्रवाह कभी बाधित नहीं होता। और आपने कभी जल के प्रवाह को यदि ध्यान से देखा हो तो कोई वस्तु यदि तल से जुड़ जाए, तल से बंध जाए, तो वो बहते हुए प्रवाह में भी नहीं बह पाती। जो वस्तु हल्की फुल्की होती है उसको प्रवाह अपने साथ बहा कर ले जाता है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कैसे सेवन करिए वृंदावन का। यहां तो प्रेम की नदी बहे चहुर जय 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 श्री वृंदावन। यहां तो रस प्रवाहमान है, यहां रस प्रवृद्धमान है, लेकिन आपका मन इस प्रवाह के संग कैसे बहेगा जब आपका मन हल्का फुल्का होगा, किसी आग्रह अथवा दुराग्रह से रहित। इसीलिए महाप्रभु ने कहा वृंदानि सर्व महतां अपहाय दूराद वृंदाटवी मनुसर प्रणयेन चेतः। प्रणय युक्त चित्त से, स्नेह युक्त चित्त से, एक श्रद्धा, एक विश्वास, एक आशा, एक अभिलाषा, इस सरस अभिलाषा से युक्त चित्त से आप वृंदावन का सेवन करिए। आप देखिए यहां का रस जो प्रवाह है, अरे बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी, बड़े बड़े
बड़े बड़े अपने सिद्धांतों के ज्ञाता मर्मज्ञ वो आकर इस प्रवाह में बह गए, उनको आज तक ठौर नहीं मिली। अरे और तो और किसी की क्या कहें। श्री ध्रुवदास जी तो कहते हैं जिनके चरण की परछाई देख के, चरण देख के नहीं, जिनके चरण की परछाई देख के कोटि कोटि मनोज रति सहित लुंठित होवे, सो श्याम सुंदर प्रिया जो की रूप माधुरी में डूब जावे। और कैसे डूबे कि देखो माई अबला के बल रासी, अति गजमत निरंकुश मोहन निरख बंध्यो लठ पासी। महाप्रभु एक बड़ा सुंदर भाव कहते हैं, नागरता की रासी किशोरी, नागरता की रासी किशोरी, नागरता की रासी किशोरी, नवनागर कुल चिते मुख मोरी, मरबस कियो चिते मुख मोरी, नागरता की रासी किशोरी। किशोरी नागरता की बरबस कियो चितय मुख मोरी। तो जो डूबा सो पार, और डूबा हुआ व्यक्ति बात नहीं कर सकता, डूबा हुआ व्यक्ति चर्चा नहीं कर सकता। इसीलिए अभाव रहा सदा से, अभाव रहा कहने सुनने वालों का। अच्छा एक और विलक्षण प्रभाव है इस रस का कि ये रस यदि मिलता है तो पूर्ण मिलता है, आधा अधूरा नहीं। यदि इस रस की उपलब्धि होगी, यदि इस रस की अनुभूति होगी तो वो पूर्ण रूपेण होगी। ये अपूर्ण रूप से हृदय में स्थान नहीं बनाता।
वृंदावन का सेवन नहीं करोगे, वृंदावन का वास नहीं करोगे, वृंदावन की इन तरुलताओं के संग मित्रता नहीं करोगे, दुरंत मोह भंजनी कलिंद गिरिनंदिनी श्री यमुना जी के कुल का सेवन नहीं करोगे, तो यहां की रसरीति, ये प्रवचन, ये उपदेश, ये तो एक संकेत है। सेवक जी ने कहा है, बिस्तरत सुनत गावत रसिक नितनित लीला रस पियत। मैं तो हमेशा कहता हूं कि जैसे किसी को भूख ना लगती हो, तो आयुर्वेद में कहा है कि औषधि के साथ साथ उसको सुंदर भोजन की चर्चा सुनाई जाए। कम लगती हो तो सुंदर भोजन की चर्चा से क्या होता है, क्षुधा तीव्र हो उठती है। ठीक ऐसे ही ये जो बातचीत है, ये जो वार्ता है, ये जो आलाप संलाप है, ये किस लिए है? ये भूख बढ़ाने के लिए है, ये लगन लगाने के लिए है, आकंठ डूब जाने के लिए है, ये वार्ता मौन हो जाने के लिए है। कैसा मौन? निष्काम मति, कोई संकल्प कोई विकल्प नहीं, कुछ नहीं। भोर लो सांझ और सांझ लो भोर, नित्य नवघन उन्नत किशोर, और तिनको रूप रस तिनकी माधुरी, तिनमें ललितादिक सखियां सहचरियां उन्मत्त रहते हैं। ऐसा रस इसमें किसी और भाव के लिए स्थान नहीं है। तो मैंने कहा कि रस मिलेगा तो पूरा मिलेगा, और पूरा मिलेगा तो डुबा देगा, और डूब जाओगे तो बोलोगे कैसे। और फिर दूसरी एक और बात कि ये रस, ये भाव कभी भी भीड़ का धर्म बन ही नहीं सकता। कल मैंने कहा था ना कि उपासना होती है अपने उपास्य के स्वरूप के अनुरूप और अनुकूल। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं, बोले चल रही भीड़ ते न्यारे ही खेले। ठाकुर जी कहते हैं प्रिया जी से, चल रही भीड़ ते न्यारे ही खेले। जहां भीड़ हो वहां हमारे आराध्य स्वरूप आते ही नहीं, पधारते ही नहीं। भीड़ माने केवल केवल जन की भीड़ नहीं, जिस मन में विचार की भीड़ होगी वहां पर यह रस नहीं आएगा, यह रस नहीं ठहरेगा। भक्ति का भाव समझ में आता है, क्यों? क्योंकि उसमें और कुछ नहीं तो कम से कम अपने कल्याण की कामना है, उसमें जीव के लिए एक विश्राम है, उसमें जीव दुर्बल है भगवान सबल हैं, वो आश्रय देते हैं, सहारा देते हैं, संभाल लेते हैं। यहां तो भाई सखियों को प्रियालाल को संभालना पड़ता है, यहां प्रियालाल नहीं संभालते, यहां तो सखियां प्रियालाल को संभालती हैं, वो उनकी संभाल करती हैं। प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं, कब खाया क्या खाया, कब पहना क्या पहना, इसकी सुध नहीं है उन्हें, वो तो तीव्र प्रेम में विह्वल हैं। सखियां संभाल रखती हैं, सहचरियां संभालती हैं प्रिया प्रीतम को। यहां तो उनसे मिलने की आकांक्षा भी नहीं है, यहां उनसे मिलने की भी इच्छा नहीं है, यहां तो उनके मिलने की इच्छा है। कैसा हृदय है सहचरी का, क्या महाप्रभु की उपासना संकेत करती है, किस भाव की ओर, कितना कोमल, कितना सुकुमार मन चित्त हृदय, कितना सरस हृदय सहचरियों का है। केवल एक आशा है मन में, केवल एक भाव कि कोई भी कार्य हमारा ऐसा हो जाए, हमारी कोई भी सेवा ऐसी बन पड़े जो प्रिया लाल के हृदय में मिलन की लालसा तीव्र कर दे, जो प्रिया लाल के अंतःकरण में, प्रिया लाल के उर अंतर में उद्दीपन कर दे भाव का, हमारी कोई भी क्रिया बस ऐसी हो। कहने सुनने से तो आपको बड़ी अटपटी लगेंगी यहां की बातें, श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है। कौन कथा कह रहे थे? कोई साधारण महानुभाव नहीं, गोस्वामी नागरवर जी महाराज कथा कह रहे थे। नेही नागरी दास जी वृंदावन में भजन करते थे, कथा में नहीं जाते थे, कुछ निंदक थे, और जो संसार से अलग चाल चलेगा, जो संसार से अलग गति लेकर चलेगा, संसार निंदा निश्चित रूप से करेगा। संसार का एक ही कार्य, किसी की बात समझ में नहीं आए, कोई आपकी ओर आता न दिखाई दे तो उसकी निंदा करनी आरंभ कर दें, संसार यही तो करता है। तो खूब निंदा होती थी, अरे अपने आप को बड़ा भजनानंदी महात्मा कहते हैं, देखो मंदिर में कथा हो रही है। कौन सी कथा? श्रीमद् भागवत की कथा। कौन कह रहा है? गुरु पुत्र कथा कह रहे हैं, और नागरीदास जी कथा में नहीं आते। बहुत बात होने लगी तो एक दिन श्री गोस्वामी जी महाराज ने नागरीदास जी से कहा कि आजकल तो दशम स्कंद की कथा हो रही है, कृष्ण कथा हो रही है, तो आपको आना चाहिए। सेवक जी ने भी आज्ञा करी है, प्रथम जो शुकमुख वचन सुनावो तब श्री हरिवंश सुनाम कहा वो,
तो आजकल तो कृष्ण कथा हो रही है, आप आए, अब गुरु पुत्र की आज्ञा है, कैसे अवहेलना करते, पहुंच गए, अनमने मन से पहुंचे। और संयोग से दशम स्कंद की कथा हो रही थी और गोसाई जी धेनुकासुर के वध का प्रसंग वर्णन कर रहे थे। नागरी दास जी किसी भाव में छके थे, गोसाई जी ने कहा कि श्याम सुंदर ने अपने हस्त कमल में उस धेनु, उस गधे जैसे रूप वाले उस असुर की टांग पकड़ी और उसको पछाड़कर उसका प्राणांत कर दिया। और जैसे ही ये बात वर्णन की, नागरी दास जी कथा के बीच में से उठ के चल दिए। अब जो निंदा करने वाले लोग थे उनको तो एक स्वर्णिम अवसर हाथ लग गया कि अरे सभा के बीच में से उठ के जाने वाला कौन होता है, सभा के बीच में से उठ के जाने वाला होता है मूर्ख, सभा के बीच में से उठकर जाने वाला होता है खल बुद्धि। तो बोले आप तो इनको बड़ा महात्मा कहते थे, देखिए आप व्यास पीठ पर विराजमान हैं, गुरु पुत्र कथा कह रहा है, कृष्ण कथा हो रही है, दशम स्कंद की वार्ता हो रही है और कथा के बीच में से उठकर चल दिए। थोड़ा सा बुरा गोस्वामी जी को भी लगा, लेकिन वो जानते थे, विवेकी थे कि नागरी दास जी ने यदि ऐसा किया है तो कोई ना कोई कारण रहा होगा। उन्होंने कुछ भी कहने से पहले संध्या को नागरी दास जी को एकांत में बुलाया, बोले आपको सौगंध है मेरी, आपको मैं शपथ देता हूं, आप सत्य सत्य बताइए कि आप बीच में से उठकर क्यों चले गए। तो गोस्वामी जी ने करवद्ध संकुचित होते हुए वर्णन किया, बोले जय जय आप जा समय धेनुकासुर को वध प्रसंग वर्णन कर रहे, वा समय मेरो मन चतुरासी जी के एक पद की भावना में डूब रहो। कौन सो पद? आज निकुंज मंजू में खेलत, आज निकुंज मंजू में खेलत, नवल किशोर नवीन किशोरी, आज निकुंज मंजू में खेलत। सुंदर नवल निकुंज, नवल घनश्यामवर, नवल नवर राधिका, नवल नव कुंज नव केलिठानी, नवल कुसुमवली, नवल सिज्जारची, नवल कोकिल कीर भृंग गानी, नवल सहचरी वृंद, नवल वीणा मृदंग, नवल स्वरतान नव राग गानी, नवल गोपीनाथ हित, नवल रस रीति सो, नवल हरिवंश अनुराग दानी। कोई अद्भुत, कोई नवीन रस उमड़ रहा था उस समय उस अंतरंग निकुंज में, जहां प्रिया प्रीतम क्रीड़ा प्रमत्त हो रहे थे। प्रिया जी मान करके बैठ गई, लाल जी चिबुक सुचारु प्रलोय प्रबोधत, चिबुक सुचारु प्रलोय प्रबोधत, प्रिय प्रतिबिंब प्रतिबिंब जनाई निहोरी, आज निकुंज मंजू में खेलत, नवल किशोर नवीन किशोरी, आज निकुंज मंजू, आज निकुंज। मन डूबा था उस परम अंतरंग रस में, जहां उस अंतरंग सुंदर मनोरम मंजुल निकुंज में श्री प्रिया जी मान किए बैठी थी और लाल जी के उन कोटि काम लवणीय कर कमलों में हमारी प्यारी प्रिया जी का चिबुक शोभा पा रहा था। आपने उसी समय लाल जी के उस कर कमल में उस गधे की टांग पकड़ा दी, तो बड़ा विक्षेप उत्पन्न हो गया, चित्त व्याकुल हो गया। ऐसा कोमल हृदय, रविदास जी कहते हैं ना, ये रस तो अति कोमल है, माखन सो माखन मिले कठोरता ना चाहिए। हम एक पुस्तक पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था कि श्याम सुंदर से मिलने का प्रयत्न करने के लिए वृषभानुनंदिनी जाने कैसे कैसे कठोर व्रत करती हैं, एक वृंदावन रस के रसिक का तो हृदय वो पढ़कर फट जाए, उस रस की उपासना करना तो दूर की बात है, एक वृंदावन रस का हृदय, एक एक रसिक हृदय तो वो पढ़कर चूर्ण चूर्ण हो जाए।
महाप्रभु सुधा निधि में कहते हैं कि एक क्षण के लिए क्या भाव है इस उपासना का। महाप्रभु कहते हैं एक क्षण के लिए हे स्वामिनी जू, यदि मैं आपको लाल जी के अंक में न देखूं तो क्यों ना मेरा हृदय चूर्ण चूर्ण होकर गिर जाए, क्यों ना मेरे हृदय के शत शत खंड हो जाएं यदि एक क्षण के लिए मैं आपको श्री लाल जी के निकट ना देखूं, यदि एक क्षण के लिए आपको लाल जी से संयुक्त ना देखूं। यद्यपि जानते हैं ऐसा संभव नहीं है। श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम, एक प्राण तन मन सहज, कहबे को द्वैना। संभव नहीं है। अंकस्थिते पिदैते किमपि प्रलापम, हा मोहनेति मधुरम विदधत तकस्मात्। श्यामानुराग मद विव्वल मोहनांगी, श्यामा मणि जयति कापिनी कुंज सीमनी। जहां वियोग संभव नहीं है, महाप्रभु ने विरह की भीति भी निकाल दी है। इस प्रेम गीत में विरह का भाव स्पर्श भी नहीं करता। जहां विरह का यदि किसी समय मन में भाव भी आ जाए तो हृदय कंपित हो जाता है। महाप्रभु कहते हैं कि कोटि कोटि प्रलयाग्नि प्रज्वलित हो जाती है प्रिया लाल के हृदय में यदि कभी उन्हें संभ्रम हो जाए विरह का। देखी वो जहां विरह सम होई, जहां देखना विरह के समान है। अब आप सोचेंगे देखने में कैसा विरह, देखने में ऐसा विरह है कि जब एक दूसरे का दर्शन करते हैं तो अंगों को विरह होने लगता है, श्री अंग विरह से व्याकुल होते हैं। और जब श्री अंग परस्पर मिले रहते हैं तो एक दूसरे का मुख चंद्र का दर्शन न कर पाने के कारण नैनों को व्याकुलता होती है। देखी वो जहां विरह सम होई, ताहा को प्रेम कहा कहे को। इसलिए ध्रुवदास जी कहते हैं, और इस पंक्ति में उन्होंने इस उपासना का भाव, इस उपासना का मर्म, इस उपासना का सिद्धांत छिपा दिया। प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं, तब यारस को इनका पाऊं। सखियां कौन? प्रधान सहचरी, जो एक क्षण के लिए भी श्री प्रिया जी के श्री चरणारविंद के उस विलक्षण रस से वियुक्त नहीं होती। प्रिया और प्रियतम की पुराण भी कहता है वंशी तत् प्रेम रूपिका, प्रिया और प्रियतम की प्रेम स्वरूपिणी, हित स्वरूपिणी, रस स्वरूपिणी वो वंशी, वो प्रधान सहचरी। इन सखियन की कृपा मनाऊं तब यारस को किनका पाऊं। और इस भाव का स्थाई भाव क्या है? रति है प्रिया जी के श्री चरणों की। और स्थाई भाव महाप्रभु ने कहां रखा है अपनी उपासना का? वृंदावन धाम में। इसी धाम की सीमा में रहकर इस उपासना को पल्लवित पुष्पित किया जा सकता है। अब किसी ने पूछा, बोले महाराज सब कैसे रहे वृंदावन में, सबको कैसे मिले वृंदावन को आस? तो ध्रुवदास जी कहते, बोले उनके लिए भी मार्ग है। वृंदावन को नाम रट, वृंदावन